वेलकम टू हमारी रसोई। आज हम बना रहे हैं लेडी फिंगर्स। लेडी फिंगर्स के लिए यहाँ पे मैंने फोर ब्रेड स्लाइस लिए हैं, जिसके मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। इसे हम रोलिंग पिन से रोल करेंगे। ये एक स्वीट डिश है जिसे हम क्रीम से स्टफ़ करने के बाद डीप फ्राई करेंगे, उसके बाद शुगर सिरप में डिप करेंगे। सो यहाँ पर आज की रेसिपी के लिए मैंने ब्रेड स्लाइसिस लिए हैं, इसे हम साइड कर देते हैं। शुगर सिरप के लिए यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी ले ली है और 1/2 कप पानी हम लेंगे और इसका एक शुगर सिरप रेडी करेंगे। उसके बाद हम उस सिरप में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर ऐड करेंगे और फ्यू स्ट्रिंग्स ऑफ सैफरन ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने पिस्ताशियो लिए हैं, जिसे मैंने पील कर लिया है पानी में सोख करके। इसे हम ब्लेंड करेंगे सूखा सूखा और फिर इसे अपने लेडी फिंगर्स को कोट करेंगे। सारे ब्रेड स्लाइसेस को सबसे पहले हम रोलिंग पिन से रोल करेंगे। यहाँ पे मैंने चारों ब्रेड स्लाइसेस को रोल कर लिया है। इसमें अब हम क्रीम स्टफ करेंगे। ये देखिए, ब्रेड पर हमने क्रीम ऐड कर दी है। एटलीस्ट 1 टेबलस्पून क्रीम है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है हमें, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। और सीलिंग के हमने यहाँ पे मैदे का पेस्ट बना लिया है, इसे अच्छे से सील करेंगे हम। ये रेडी है, बाकी के सब भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे फिंगर्स को, ब्रेड फिंगर्स को रेडी कर लिया। इसे हम 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद इसे डीप फ्राई करेंगे। जब तक हमारे ब्रेड फिंगर्स चिल्ड हो रहे हैं, यहाँ पर हम अपना शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। अभी देखिए, हम 1 कप चीनी लेंगे एंड 1/2 कप वाटर। इसे हम मीडियम फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक सारी हमारी शुगर डिसॉल्व नहीं हो जाती। यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पे शक्कर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी शक्कर बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसमें हम लेमन 2-3 ड्रॉप लेमन ऐड करेंगे। दैट्स इट। सैफरन, वन टू ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर। रोज वाटर हमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। किसी का ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का कम स्ट्रांग होता है, सो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा शुगर सिरप बिल्कुल रेडी है। अब अपने हम लेडी फिंगर्स को डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे पैन में तेल गरम हो गया है। यहाँ पर तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना ये जल जाएंगे फिंगर्स हमारे। बहुत ही मीडियम एंड लो फ्लेम पे हमें इसे डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे हमें दोनों साइड से इसे क्रिस्पी ब्राउन करना है। देखिए, एक साइड से ये बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे टर्न कर लिया है। अब हम अदर साइड से इसे रेडी करेंगे। यहाँ पे हमारे फिंगर्स बिल्कुल रेडी हैं, इसे हमने निकाल लिया है। अब हम इसे शुगर सिरप में डिप करेंगे। हमने इसका एक्सेस ऑयल निकाल दिया है। हम इसे
एक एक करके शुगर सिरप में डिप करेंगे। आपने डायरेक्टली गरम गरम इसे सर्व करना है, वरना ये सॉगी हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। सुजे दैट्स इट सर, सारे फिंगर्स के साथ हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसके बाद हमने इसे पिस्ताशियो से कोट करना है। तो आज की हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। एक मैंने आपके लिए कट कर लिया है, ये देखिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसे पिस्ताशियो से कोट किया है दोनों तरफ से। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़े के बने हैं ये। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।